square leg. Another is white third man. Here comes Tabasim, deep square leg. Another is white third man. Here comes Tabasim again. Nice shot, but there was no connection, and there's a chance of run out, and it's out. Beautiful fielding over there. There is a great piece of work from the fielder at mid-on. The batsman was nowhere near the frame, and he has been superb in his over as well. Here comes Zeeshan again. A beautiful delivery. That's again swinging back in on full delivery. Hit towards cover. Going for a beautiful shot for a boundary. It was so nicely timed that the batsman is ready. Here comes Wasim again. And that's the ball. It's a short pitch again on the leg stump. When you bowl on the leg side, nothing much can be done. Nicely flicked away and gone for a boundary. Just a tiny bit of a trickle from the bat, and it's gone for a boundary. One bringing back his line to the original that he's been doing. Here comes Wasim. That's a beautiful ball, and that's right between the both the fielders at mid-on and mid-off for a boundary. It was in the air for a while. He has been bowling well so far today. Here comes Zeeshan. And that's a full delivery. Beautiful hit again. Once again between mid-on and mid-off. You can see how Aslam ko unki ball, short pitch ball. Aur fielder bilkul bhi nahi hil paaye. Air mein thi short, lekin dono hi fielder ke beech se cover aur point cover ke beech mein. बहुत शॉर्ट रन है, हम बाहर जहां खड़े वहीं से बॉलिंग करते हैं और शॉर्ट पिच बॉल एक और बार फिर से कोई मौका नहीं फील्डर को हिलने के लिए. दो बाउंसेस और सीधा. थोड़ा सा महंगा ओवर हो रहा है ये. अगली बॉल शॉर्ट पिच और बोल्ड शॉर्ट पिच बॉल थी, मारना चाहते थे पीछे जाके, लेकिन पेस गेज यहाँ पर पहली बॉल लेकर आते हुए बॉलर और ऊपर जाली बॉल और फिर से फुल टॉस जाली और मिड विकेट के ऊपर से दो बाउंसेज और चार रन. शहजाद ने उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं किया था ये, लेकिन बॉल थोड़ी पुअर थी और बैट्समैन आगे चार्ज किया, उन्होंने फुल टॉस. ये बिल्कुल अगली बॉल असद की और ये हवा में मार दिया है. बेहतरीन शॉट हवा में और आउट हो गए हैं यहाँ पर कैप्टन. जैसा कि मैंने कहा था कि काफी अग्रेसिव है, अपना छक्का मारने के चक्कर में उन्होंने बॉल को असद जिन्होंने एक बाउंड्री खाई थी उन्होंने आउट कर दिया उनके कैप्टन को. लेग स्टंप के बाहर बॉल डाली और विकेट कीपर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे. फाइन लेग के फील्डर ने भी गिव अप कर दिया है. बॉल गई चार रन के लिए. बल्ले का किनारा लगा. यह बॉल आप डालेंगे. व्हाट्स हैपनिंग हियर. बुहारी अगली बॉल लेकर आते हुए और ये बहुत ही लाउड अपील और अंपायर बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं. जैसा कि मैंने कहा कि बुहारी भले स्लो बॉल करते हैं लेकिन वो स्पिनर नहीं है. आकर सिर्फ तीसरा ओवर डाल रहे हैं और अगली बॉल लेकर आते हुए और ऑफ स्टंप के बाहर लूज बॉल डाली उन्होंने. बहुत ही प्यारा शॉट और कोई चांस नहीं फील्डर के लिए जो डीप कवर पर खड़े थे और बहुत ही अच्छा पक एक रन पर. अगली बॉल ओवर पिच फिर से एच लगा गली के पास और गली ने फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं की. जहां पर एक रन भी नहीं होना चाहिए था वहां चार रन. अगर वो थोड़ा झुकते तो बॉल वहीं रुक जाती, लेकिन एक चार रन यहां पर ताकि वो फाइट दे सके. अगली बॉल असाद की ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी ऊपर थी. देन ट्राइंग टू हिट बिग राइट नाउ एंड गेट आउट. हियर कम्स असाद ओवर पिच डिप. दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट ओवर देयर ऑन कवर्स. इट ऑलमोस्ट लुक लाइक इट्स गोइंग फॉर अ सिक्स बट देन अ फ्यू बाउंसेस एंड टू द बाउंड्री लाइन. अगेन एफर्टलेस इज प्लेइंग वेल एंड ही इज गिविंग गुड कंपनी टू द मेन बैट्समैन ओवर हियर अमल हुज वंस अगेन हिट अ ब्यूटीफुल शॉट एंड लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ बाउंड्री एंड यस इट इज अ बाउंड्री. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ही इज तीन खिलाड़ी दूर खड़े हैं, बाकी सब सर्कल पर है. इसी बीच बहुत अच्छा शॉट खेला हवा में लेकिन ये तो सिर्फ 30 यार्ड के अंदर और आउट. एक विकेट और यहां पर गया. जीरो नंबर की टी शर्ट पहनने वाले विनय जो बैटिंग करने आए थे उतने ही रन. वेलकम बैक लाइव. यहां पर एक छोटी सी पार्टनरशिप डेवलप होती हुई. जी बिल्कुल विनीत, ये पार्टनरशिप काफ़ी काम कर सकती है नूर तकाफुल के लिए अगर ये दोनों बैट्समैन डटे रहे. और अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है. 9 ओवर बाकी हैं. यहाँ वसीम अपनी बॉल करेंगे दीपक को जो कि है अच्छा खेल रहे हैं अभी. और बहुत प्यारा कट शॉट, बहुत ही सुंदर कट शॉट. कोई चांस नहीं है डीप पॉइंट के फील्डर को. थोड़ा वो तेज भागते शायद तो रोक सकते थे. अगली बॉल वसीम की और बैट्समैन है दीपक और बहुत अच्छा कट किया है. बहुत ही प्यारा कट किया है यहाँ पर. फील्डर के पास कोई चांस नहीं. मुझे एक गाना याद आ रहा है फील्डर को देख मुझे एक गाना याद आ रहा है फील्डर को देखते हुए स्लो मोशन में. बहुत ही धीरे धीरे प्लेइंग वेरी वेल आफ्टर द डिपार्चर ऑफ
the last batsman who's playing well. There was a beautiful shot over covers. No chance at all for any fielder at all. All the fielders were just watching, just like all of us here in the 15 balls, and they would at least want 25 out of it. Here comes Zeeshan, and that's a beautifully cut shot, and that's a nice catch taken over there. And that's the wicket point, extra cover and mid off. Here comes Zeeshan again. That's a beautiful shot once again through covers, and there's no chance. The cover fielder is not even trying. That's how powerfully hit it was, and the batsman has got a boundary of the over, and Wasim is now back. Here comes Wasim. It was a nicely hit shot, and the batsman has hit it so beautifully. The player on long on realized the moment it hit the bat that it's going outside. He helped. Gopal would love Gopal to get a six right now or a boundary, and here comes Wasim and bowled. And that's what happens. You miss and I hit. The batsman tried, but the ball was a bit too low, and the leg stump is off any fielder's head. Here comes Zeeshan. And that's a slower ball outside off stump, and the over the gully fielder's head. He couldn't do anything, and that's a boundary. It was not powerfully hit, but Zeeshan was well aware. It is very similar to Mohammed. And that's a beautiful shot. The gap. Ball races away to the boundary. Oh, whites or extras given. Here comes Gopal again. And that's a full delivery. That's a beautiful shot over long on. The fielder stopped. Oh, the fielder once reached again, over there. Way too sloppy work in bowling round the wicket. And on strike is Mudassir Khan. And that's bowled. This was bound to happen. He was playing across. And as we have said too many times, that here comes Gopal again with very Bumrah kind of action. And that's a beautiful shot on the leg side. Nobody need to move because this ball is destined to go to boundary. Even though it was not hit hard, but there's no umpire. And here it comes back to his ball. That's a beautifully driven shot on the covers region. And definitely it's going to be a boundary. That is a beautiful shot from Fawad. We have always been talking up to greedy at all, but very nicely played. And that's almost a chance. He's taken a wonderful catch over there. Fawad Ghafoor is not going. He's waiting and he's looking at the umpire, but the umpires have given it out. I was just talking. And Asad is ready to face him. Here comes Mohammed Aslam. And that's a short pitch ball and a very loud appeal. And that's a wicket again. It was on the cards. Asad is not happy, but he has to go. It was a bit short right on the score is now 41 for the loss of 3 wickets. Here comes Mohammed Aslam to Wasim. And that's a beautiful shot over at the cover. And that's another wicket. Wasim is gone. What is going on over here? I'm not even 4 wickets in 7.2 overs. Amal Raj will be bowling to Zeeshan. And that's a beautiful shot. It looks like it's going to be a 6. And that is a huge 6. Over long on fielder. Zeeshan. Ki team ko. 68 gaine. Bada shot. Aur bahut hi behtareen chakka. Zeeshan Muhammad fire pe. Muhammad Aslam Shahzad ne 14 run. 3 wicket. 4 over. Aur yahan pe thoda turn mila. But kharab line. Aur bilkul achha treatment mila hai. छोटे से ब्रेक के बाद वापस स्कोर 71 चार विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट Zeeshan एक अलग ही फील्ड पर खेल रहे हैं लग रहा है Zeeshan पहुंच अगली बॉल समीर की सिंपल से बॉलिंग एक्शन है बहुत ही लंबा शॉट दूसरे ग्राउंड में जाके बॉल गिरी है जैसे मैंने कहा कि इस ओवर अगली बॉल समीर की फुल टॉस और फिर से बहुत लंबा शॉट कोई नहीं लेगा इसमें क्योंकि ये बॉल सीधे साइड स्क्रीन के पास गई है जैसे मैंने आपसे कहा कि Zeeshan ने पसंद कर लिया है अगली बॉल अमल की बहुत ही लूपी डिलीवरी ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड और मार दिया 4 रन के लिए यह तो लड्डू था एकदम बहुत टाइम लिया सोचा आराम से 7.42 रह गया है और 7.46 करंट चल रहा है एक और बड़ा शॉट मारने की कोशिश बाउंड्री मिलेगा गैप में गेंद गई बड़ा शॉट एक और छक्का बेहतरीन शॉट Zeeshan माफ कीजिएगा won it twice and they have been a great team and today they have shown and this was once again another beautiful shot from Zeeshan he just wants to finish the game on his own completely now this game seems like a formality kind of game you would never have imagined that we would get a game like this and that's once again a beautiful shot and the fielder has dropped the catch We have to see whether it's a 6 or a 4.
And that's once again a beautiful shot. Once again, nobody moved. And that's a beautiful shot for a boundary. Union Insurance is just taking that. Here comes Gopal. And that's once again a beautiful shot. And the long one, the batsman did not even move. That was such a powerfully hit shot. Zeeshan has done best so far in this game. Here comes the bowler. And that's once again a beautifully hit shot. Bisecting two fielders. They did not get any chance at all. Ball races away to the boundary. Spoil the game earlier before the